नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। आरएएस मेंस का जो रिवीजन मॉड्यूल हमने शुरू किया था, उसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं। अब बस एक मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है 20 मार्क्स का, वो बचा हुआ है। इसके बाद आपका 250 मार्क्स का, जो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, आई रियली डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। अभी 250 मार्क्स का सिलेबस यहाँ पर कवर हो चुका है आफ्टर वी फिनिश मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड तो नहीं है, पर मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेंड भी नहीं है मटीरियल। ठीक है, आप ये कवर करोगे प्लस हिंदी और इंग्लिश करोगे, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको इंटरव्यू कॉल तो श्योर है कि आएगा ही आएगा। एनीवेज, तो अब वैसे बहुत ज़्यादा दिन आपके एग्जाम के बचे नहीं है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और वैसे कमेंट्स में या फिर जो टेलीग्राम पे आते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। तो आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे पेपर के दिन, तो आपको दो चीज़ें कम आती होगी तो भी काम चल जाएगा, और डरोगे तो दो चीज़ें ज़्यादा आती होगी तो भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी मुझे पर्सनली एक कविता बहुत पसंद है, तो मैं आपको बताऊँ 4 लाइन कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो फिर धार क्या मझधार क्या। तो इसलिए जब चुनौती दे ही दी है, तो अब धार क्या और मझधार क्या। तो ज़्यादा डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। फिर दूसरी चीज़, जो लोग मैंने देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने जब कवर किया था, तब है ना एक गूगल फॉर्म फिलअप करवाया था। अब वो गूगल फॉर्म फिलअप करवाने के बाद में, वैसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दिए थे, पर अभी भी बहुत सारे लोग गूगल फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो अब वो फिलअप करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9664008312, है ना, इस पे आप डायरेक्टली मैसेज कर दोगे तो आपको नोट्स के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ है कि इंडियन इकोनॉमी की स्कीम्स को लेकर। इंडियन इकोनॉमी की जो स्कीम्स हमको कवर करनी है, आई होप आपने इकोनॉमी तो पढ़ ली होगी। अगर स्कीम्स नहीं पढ़ी आपने, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं श्योरली कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो, ये 20 मिनट्स के 25 मिनट्स के जो लेक्चर्स होते हैं ना, इनको प्रिपेयर करने में 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लग जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर बहुत ज़्यादा लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आई ट्राई, वरना फिर उसको टाइप करवा के और उसकी जो पीडीएफ होगी वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें होगी। अब हम लोग शुरू करते हैं आज जो मैनेजमेंट का पोर्शन। वैसे तो मैनेजमेंट में बहुत कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, और मैं आपको वापस से बताऊं तो आरएएस मेंस ने इतना बुरा किया है कुछ सब्जेक्ट्स के साथ में। जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में आपको पता है पीएचडी भी होती है, मैनेजमेंट में मास्टर्स भी होती है, और मैनेजमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर हमको 20 नंबर का ही दिया होगा, और 20 नंबर का सिलेबस दिया होगा इंडियन इकोनॉमी से भी ज़्यादा, इतना बड़ा सिलेबस दिया होगा। एनीवेज, हम लोग एक एक करके सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। हमने काफ़ी सारा पोर्शन मैनेजमेंट की, वैसे आपको बताऊं तो आपको याद होगा, हमने जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, तो हमने देखा कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमेशा ये चलता रहता है, विवाद चलता रहता है कि मैनेजमेंट बड़ी टर्म है कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी टर्म है, और ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर थोड़ा हमने बेसिक मैनेजमेंट के बारे में देखा था। यहाँ पर भी हम लोग जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, आपको पता है पेपर फर्स्ट पेपर का जो थर्ड यूनिट है, उसमें यह है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद में जो 3 सब्जेक्ट्स हमारे, ऑडिट, मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी। तो मैनेजमेंट का जो पार्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, अब ये देखो पढ़ के नहीं बताऊंगा मैं, 5 टोटल यूनिट्स आपको, सब यूनिट्स इसमें दी हुई है, उसमें हम लोग लगभग इसके 6 लेक्चर्स बनेंगे। ठीक है, और कोशिश करूंगा एक दिन में या 2 दिन में ही इसको हम लोग वाइंड अप कर दें। तो आज हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग देखेंगे, मैनेजमेंट का बेसिक देखेंगे पहले, तो फिर मार्केटिंग क्या होती है, प्रबंधन या और जो विपणन होता है वो क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स, जो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन के बारे में देखेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बेसिक बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम लोग मार्केटिंग मिक्स बेसिकली देख लेंगे, और थोड़ा बहुत चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं बनाऊँ, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि थोड़े लंबे लेक्चर्स बनाओ या फिर एक ही लेक्चर में करवा दो, तो वो देखो पॉसिबल नहीं है, इतने ज़्यादा मेरे से कुछ से भी इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता है सही बताऊँ तो, और बना भी दूंगा तो फिर क्या है कि वो क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं उसमें क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी रहती है, फिर वैसे भी वो प्लेलिस्ट में डाले हुए रहते हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में। अब उससे पहले हम लोग मैनेजमेंट का जो बेसिक है वो देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, और मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें। तो देखो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट देखो एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि आपको हेनरी फेयोल हो चाहे एम पी फॉलेट हो, इनके नाम हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 10 बार 50 बार पढ़ चुके हैं, तो वही लोग वही थिंकर्स मैनेजमेंट में भी आते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब देखो मैनेजमेंट में कोई भी आप परिभाषा लिखो तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली लिख सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट बना देता है वो डेफिनेशन को। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, आप बेसिक इतनी सी बात याद रखना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये सारी चीजें आप अपने वो इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजीज को यूज करके, इज एम आर वॉज लगा करके सेंटेंस फ्रेमिंग करो। फिर हेनरी फेयोल भी एक डेफिनेशन देते हैं, एम पी फॉलेट भी एक डेफिनेशन देते हैं, तो वो क्या डेफिनेशन है, हेनरी फेयोल कहते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फोरकास्ट फॉलोड बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज। अगर हेनरी फेयोल से आपको है ना पोस्ट कॉर भी याद आ रहा है, तो पोस्ट कॉर में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वही ये यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट किस चीज़ का प्रोसेस है, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, कमांडिंग, कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज। और एम पी फॉलेट बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल, दूसरों से काम करवाने की जो आर्ट है, जो कला है, वो मैनेजमेंट है। तो दो जगह मैनेजमेंट प्रोसेस है, और एम पी फॉलेट के अनुसार क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट है, बेसिक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, तो मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन,
है ना, ये यूनिवर्सल एक्टिविटी भी है, ये क्रिएटिव एक्टिविटी है, और ये बेस्ड ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। बेसिक बेसिक सी बातें हैं, नथिंग मच टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन एक्टिविटी है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, और ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ही होगी, रोबोटिक तो नहीं होगी, रोबोटिक होगी तो भी कुछ ह्यूमन से रिलेटेड मैनेजमेंट और रोबोट से लेकर मैनेजमेंट होगा, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएटिव एक्टिविटी है ना, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी इसमें होनी चाहिए, यूनिवर्सल एक्टिविटी है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है। फिर देखो आगे एक करके बात करें तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अब स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो कितने क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो उसमें देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये बेसिक सात आठ जो है वो है। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या है, प्रोडक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू डिमांड, है ना, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना रहना चाहिए, तो डिमांड जो हो उसी के अनुसार आप प्रोडक्शन करोगे, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या कहता है कि आप कंज्यूमर जो है उसकी नीड्स को, उसकी वांट्स को फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे, रिसर्च के थ्रू, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि फाइंड आउट नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर थ्रू रिसर्च। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो एचआरएम आपको पता ही होगा कि जो लोग ऐसे कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको एचआर के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज होती है। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे काम कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो एज द नेम सजेस्ट, ये फाइनेंसिस को मैनेज करेगा, डिटरमाइन करेगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को, जो हमारा मैनेजमेंट में टॉपिक भी दिया हुआ है। फिर रिकवरी ऑफ फाइनेंस के बारे में चर्चा करेगा। परचेज मैनेजमेंट क्या होगा, रिसीव करेगा रॉ मटेरियल, अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है तो वो जो रॉ मटेरियल रिसीव करेगी वो जो डिपार्टमेंट काम करेगा उसके लिए वो परचेज मैनेजमेंट कहलाएगा, या फिर वो जो प्रोसेस होगा वो परचेज मैनेजमेंट कहलाएगा। डिटरमाइन करेंगे सोर्स ऑफ सप्लाई, कहाँ से सप्लाई आनी है, रिसीव कब करना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है रॉ मटेरियल को। फिर ऑफिस मैनेजमेंट है तो ऑफिस से रिलेटेड जो फैक्ट्स डाटा होंगे, पब्लिक रिलेशन का काम होगा या जो फाइलिंग वर्क होगा, ये सारा काम देखना ऑफिस मैनेजमेंट का काम है। फिर डेवलपमेंट मैनेजमेंट क्या है, डेवलप न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बेसिक बेसिक स्कोप है, नाम वैसे ही खुद अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं, पर नाम आपको एटलीस्ट याद रहने चाहिए, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का काम क्या है, अचीव करना गोल्स को, अचीव करना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। ये देखो डायनेमिक है ना, इसमें जो गतिशीलता बनी रहती है, हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशन कौन मेंटेन करता है, मैनेजमेंट करता है। अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी जो एम्प्लॉयज के होंगे वो मैनेजमेंट के थ्रू अचीव करेगा। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हम आगे देखेंगे कैसे मैनेजमेंट काम करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें हम लोग, तो ये यहाँ पर गलती से इंपॉर्टेंस में नहीं आएगा, इसको हटा देना यहाँ से। हाँ, ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो नेक्स्ट टॉपिक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखो तो ये बेसिक हायरार्की ट्रायंगल जो हमने हमेशा बात की है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। अब इसमें देखो क्या क्या है, टॉप मैनेजमेंट में तो आप देखो जो कंपनी के एमडी होते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे सीईओ हुए, है ना, सीईओ हुए या सीएमओ हुए, सीएसओ, सीएफओ, ये सारे जो प्रेजेंट हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, ये सारे जो पोस्ट हैं ये टॉप मैनेजमेंट में आती है। फिर मिडिल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होंगे, चाहे मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सारे जो होंगे ये मिडिल मैनेजमेंट में आएंगे। और लोअर मैनेजमेंट में कौन आएगा, क्लर्क आएगा, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो आएंगे, जूनियर मैनेजर्स आएंगे, सुपरवाइजर्स आएंगे, ये सब। और उसके नीचे बहुत ही जो बेसिक लेबर फोर्स होती है वो आएगी। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखें तो ये हायरार्की का जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने में आप देखो लोअर लेवल होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, मिडिल लेवल की थोड़ी होगी और टॉप मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा होगी। और अथॉरिटी जो ऊपर से नीचे आओगे आप, अथॉरिटी भी ऊपर नीचे से ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगी और ऊपर से नीचे आओगे तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हम लोग एक एक करके टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल के क्या क्या काम है ये देखते हैं। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होगा वो डिटरमाइन करेगा क्या ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेम करेगा प्लान्स एंड पॉलिसीज को, डिटरमाइन करेगा एक्टिविटीज, कलेक्ट करेगा रिसोर्सेस को, और सर्वाइवल और वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सोचेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाना है कि नहीं चलाना है, कैसे चलाना है, ये सारी चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है तो ये रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, ये इंस्पायर करते हैं सबऑर्डिनेट्स को, इनके जो नीचे हैं लोअर लेवल जो है। फिर ये कंट्रोल एंड डायरेक्ट, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग का काम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू अदर डिपार्टमेंट्स, है ना, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। और पॉलिसीज जो ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाकर इनको दी है उसका इंटरप्रिटेशन करना या उसका एग्जीक्यूशन करना, शुरुआती एग्जीक्यूशन करना मिडिल लेवल का काम है। फिर लोअर लेवल में देखें तो ये असिस्ट करेगा मिडिल लेवल को, ये मेंटेन जो गुड्स और सर्विसेज होंगी उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, लोअर लेवल करेगा। फिर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स जैसी चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखेगा, और प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस एंड प्रेजेंट ग्रीवियंसेज ऑफ लेबर टू मिडिल लेवल। अब जो ग्रीवेंस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है वो भी कैसे काम करेगा, कि वर्कर्स आकर के सीधे टॉप मैनेजमेंट सीईओ को नहीं बोलेंगे, वर्कर्स आकर के बोलेंगे या फिर जो खुद रियलाइज करेगा लोअर लेवल करेगा, फिर ये अपर मिडिल लेवल तक पहुंचाएगा, और फिर भी अगर जरूरत पड़ती है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो टॉप लेवल तक बात जाएगी, ठीक है। तो ये तीन लेवल्स हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट जो आज हम लोग टॉपिक्स देख रहे हैं वो, और उसके बाद में जो थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर होंगे, है ना, तो ये आपके 20 जो मार्क्स का पेपर है उसमें से कमोबेश आपको 12-13 मार्क्स का जो कंटेंट है वो ये 2-3 लेक्चर्स में ही मिलेगा, है ना। उसके अलावा भी हमको देखनी तो है ही चीज़ें, क्योंकि 7 मार्क्स का भी हम छोड़ के तो नहीं जा सकते, पर ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी देखी जाए तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो सकता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो सकता है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो सकता है। वर्क मैनेजमेंट में आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, जबकि मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या करेंगे, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, या फिर रिक्रूटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया।
है ना, चाहे फिर परचेज आप रॉ मटेरियल करो, सेल आप प्रोडक्ट करो, ये सारी चीजें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में जाएगी। तो ये स्कोप ऑफ मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग चीजों को मैनेज किया जा रहा है, चाहे काम को मैनेज करना हो, चाहे लोगों को, चाहे ऑपरेशन को। फिर रोल ऑफ मैनेजमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जो हमने पहले बात की थी उसके बारे में देखें, तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे कर रहा है, तो सप्लाई करेंगे ये गुड क्वालिटी जो गुड्स होंगे या सर्विसेज होगी, है ना, अगर अच्छी क्वालिटी की सप्लाई गुड्स और सर्विसेज देगा तो डेवलपमेंट होगा सोसाइटी का। फिर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सिविक एक्टिविटी, इकोनॉमिकल ग्रोथ, चाहे कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट का पाथ हो, ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट है वो करेगा इसके लिए, सोसाइटी के लिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ब्रिंग चेंजेस इन लाइफस्टाइल, जैसे जैसे इकोनॉमिक जो एबिलिटी या इकोनॉमिक हेल्थ बढ़ेगी किसी इंसान की या किसी देश की, तो चेंजेस इन लाइफस्टाइल होंगे, इंप्रूव होगा लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये बेसिक बातें मैनेजमेंट के बारे में, हालांकि ये हमारे सिलेबस में ये वाली चीज़ पर्टिकुलरली नहीं लिखी हुई है, पर हाँ जब सब्जेक्ट का नाम ही मैनेजमेंट है तो ये बेसिक चीज़ें हमने देखी। तो हमने पहला जो हमारा टॉपिक देखो सिलेबस में दिया हुआ है वो दिया हुआ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग और फिर मार्केटिंग मिक्स। तो हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग के बारे में देखते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, फिर मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, और मार्केटिंग और सेलिंग जैसी चीज़ों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये बेसिक चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सिमिलरली मार्केटिंग की देखो डेफिनेशन देखिए, तो मार्केटिंग भी एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, मार्केटिंग वैसे हिंदी में इसको विपणन कहते हैं, और जो ये प्रक्रिया है कोई भी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से पहले और किसी चीज़ के सेल्स हो जाने के बाद तक कोई चलने वाली प्रक्रिया है, तो वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स थ्रू क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स। ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिनकी डिमांड है ऑलरेडी, है ना, उनकी कस्टमर के लिए उसकी वैल्यू है, उसको क्रिएट करना मार्केटिंग का काम है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज मार्केट रिसर्च हो गया, चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, प्राइसिंग हो गई, प्रमोशन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें मार्केटिंग में आती हैं। अब एक एक करके देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ फिलॉसफीज, व्यूज या आइडियोलॉजीज हैं, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो बेसिक ये पांच छह चीज़ें यहाँ पर हैं, चाहे उसमें प्रोडक्शन हो चाहे प्रोडक्ट हो, अलग अलग आइडियोलॉजीज के हिसाब से अलग अलग इनकी अवधारणा बनी हुई है। तो एक एक करके हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है उसमें क्या है, प्रोडक्ट में क्या है, सेलिंग मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग और सस्टेनेबल मार्केटिंग में क्या है। सस्टेनेबल मार्केटिंग से शायद एक बार पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप चेक कर लेना, है ना। साथ के साथ पीवाईक्यूज देखते रहना, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ो 10-15 मिनट हार्डली लगते हैं, तो पीवाईक्यूज देख लेना। प्रोडक्शन जो आइडियोलॉजी है या व्यू है उसके बारे में, वो क्या कहता है, दिस आइडियोलॉजी बिलीव दैट इट इज इजी टू सेल द प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट इज अफोर्डेबल एंड इजिली अवेलेबल। मतलब जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उसकी प्राइस कम रखी जाएगी, उसको अफोर्डेबल रखा जाएगा, इजिली अवेलेबल रखा जाएगा। तो ये आइडियोलॉजी यही बिलीव करती है कि थोड़ा आसान हो जाता है प्रोडक्ट को ऐसे सेल करना। और अब इसमें जो इस आइडियोलॉजी में जो प्रॉफिट कमाना होगा वो कैसे होगा, थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ज्यादा ज्यादा बनाओगे, ज्यादा बेचोगे, जो मार्केट में वैल्यू होगी वो ज्यादा हो जाएगी, अफोर्डेबल प्रोडक्ट होगा तो बिकेगा भी ज्यादा। फिर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्शन के बाद में प्रोडक्ट की बात करें, तो ये क्वालिटी पे फोकस करता है और इसमें प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये मानता है कि कंज्यूमर क्या है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बाय करना चाहता है। तो ये हाई क्वालिटी, चाहे आप अगर फोन्स के मामले में देखोगे, चाहे आप आईफोन देख लो, चाहे आप वन प्लस देख लो, वहीं पर बजट फोन्स भी आते हैं, जो लोग जो प्रोडक्शन के बारे में सोचते होंगे या इस आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते होंगे। फिर सेलिंग की आइडियोलॉजी आती है, तो इट बिलीव दैट कस्टमर विल नॉट बाय अ प्रोडक्ट अनलेस कंपनी मेक्स लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशनल इफेक्ट एफर्ट सॉरी। तो ये सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स करने की बात कर रहा है कि आपको अगर किसी चीज़ को बेचना है तो वो कस्टमर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसका प्रमोशन नहीं किया जाए, जब तक उसकी सेलिंग के लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं बनाया जाए। फिर मार्केटिंग है, तो इट बिलीव दैट प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ कस्टमर। उसकी डिजाइन हो चाहे उसका जो प्रोडक्शन हो, सब कुछ किस बेसिस पे किया जाएगा, जो नीड्स ऑफ कस्टमर है उसके बेसिस पे, क्योंकि मार्केटिंग का जो मेन मोटो है वो क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। फिर सोसाइटल मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, दिस कंसेप्ट एम्फसाइजेस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी टुगेदर। चाहे सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स हो चाहे वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हो, ये साथ में ही इसकी बात करता है। सस्टेनेबल मार्केटिंग लास्ट में आता है, तो सस्टेनेबल आपको टर्म पता ही है कि किसी भी चीज़ का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा करके हम लोग रख सकें। तो टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट रेस्पेक्ट्स एनवायरमेंट एंड सोशल एस्पेक्ट। एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखेगा, सोशल एस्पेक्ट को या सोसाइटी को भी ध्यान में रखेगा, तो उस प्रकार की जो मार्केटिंग होगी उस आइडियोलॉजी को कहेंगे सस्टेनेबल मार्केटिंग। इट एम्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट, है ना। इसका एम क्या है, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं। तो ये बेसिक फिलॉसफीज हैं, थोड़ा बहुत बेसिक आपको ध्यान रखना है। अब डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग देखो, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस है ना, बेसिक ही है, ब्रॉड कंसेप्ट है मार्केटिंग आपको पता है, और जो सेलिंग है वो मार्केटिंग का ही पार्ट है, ये नैरो कंसेप्ट है। मार्केटिंग फोकस करता है नीड्स ऑफ कंज्यूमर पे, कंज्यूमर ही इसका सेंटर है, और हमने अभी जस्ट जो पीछे मार्केटिंग के बारे में बात की तो हमने बात की इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर है ना। प्रॉफिट तो साथ के साथ है ही, पर सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर भी इसके लिए जरूरी है। पर सेलिंग में क्या है, फोकस जो है वो सेलर के ऊपर है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, मैक्सिमाइज करना क्या, सेल्स टू गेन प्रॉफिट। फिर ये जो मार्केटिंग जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है कब, मच बिफोर प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन शुरू होने से पहले भी उसकी चाहे रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, या फिर उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, ये उसके रैपर्स मैन्युफैक्चरिंग कराना, उसके जो बॉक्सेस होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कराना, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है, और ये कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर सेलिंग। प्रोडक्ट बिक जाता है उसके बाद में भी ये कंटिन्यू रहता है। पर सेलिंग क्या है, ये स्टार्ट होती है कब, जब प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और जब सेल हो जाती है तब ये एंड हो जाता है। ये प्रोसेस ही है दोनों, और मार्केटिंग का पार्ट ही सेलिंग है। फिर सेंटर ऑफ मार्केटिंग कौन है, कंज्यूमर होगा, और सेंटर ऑफ सेलिंग कौन होगा, सेलर होगा।
ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में। फिर जो हमारा टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है मार्केटिंग मिक्स, है ना। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है, तो ये देखो ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये फोर पीज का कॉम्बिनेशन है ना। ये फोर पीज भी हमारे सिलेबस में ऐसे कैसे लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। तो मार्केटिंग मिक्स इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर इनपुट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम। अब कोई भी कंपनी होगी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका जो भी मार्केटिंग सिस्टम होगा उसकी जो विपणन करने की जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें ये चार पीज होंगे, ठीक है। और ये चार जो इनपुट्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है वो मार्केटिंग मिक्स कहलाएगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। फिर फोर पीज में हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस क्या है और प्रमोशन क्या है। फिर इसमें प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट क्या है, अब व्हाट अ सेलर सेल्स एंड बायर बाइज इस प्रोडक्ट, है ना। ये तो बेसिक बात ही है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ में प्रोडक्ट मिक्स है, तो प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जैसे कि ब्रांडिंग होगी, जैसे कि पैकेजिंग होगी, जैसे कि लेबलिंग होगी। अब ये जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग है ये प्रोडक्ट का ही हिस्सा है। तो जब प्रोडक्ट बन रहा है, सेलर सेल कर रहा है, बायर बाय कर रहा है, तो उसके लिए जरूरी काम क्या है, ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी, ये सारी चीजें हैं। अब प्रोडक्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट होंगे, एक शॉपिंग प्रोडक्ट होंगे। कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होंगे, जो देखो खराब हो जाते हैं, है ना, जो डीके हो जाते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं, तो वो तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखो ब्रेड होगी, आइसक्रीम होगी, चॉकलेट्स होगी, ये सारी चीजें क्या है, पेरिशेबल हैं, इसलिए ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट में आ जाती हैं और इनको हमको बार बार खरीदने की जरूरत पड़ती है ना। आप एक बार में ही सारी चीजें, चाहे अगर आपको घर पर आइसक्रीम रखनी है तो एक साथ आप 10 किलो आइसक्रीम नहीं रख सकते हो, ठीक है, आपको एक एक थोड़ी थोड़ी करके बाय करनी पड़ेगी क्योंकि वो पेरिशेबल है। जबकि दूसरे तरीके के प्रोडक्ट कौन से हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं और यू डोंट हैव टू बाय देम अगेन एंड अगेन, आपको वो उसको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कार हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, आपका रेफ्रिजरेटर हो, आपका एयर कंडीशनर हो, ये सारी चीजें क्या है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि ये ड्यूरेबल इन नेचर होती है। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो अब फिर प्रोडक्ट जो मिक्स है, अपने जो पहले यहाँ पर बात की है कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है, इट रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। इसमें एग्जांपल के तौर पे जो हमने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग देखा उसके बारे में बात करते हैं। और इसमें ये जो लास्ट टॉपिक है, ये प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मुझे इंट्यूशन है कि ये पूछना चाहिए। तो ब्रांडिंग के बारे में बात करें तो ब्रांड इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय नेम, वर्ड, लोगो और डिजाइन, है ना। आप ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड का कोई लोगो हो गया, ब्रांड का वर्ड हो गया, जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि नाइकी तो उसको सीधा सीधा ये राइट का साइन ध्यान में आ जाएगा। जैसे कि मैं किसी को एडिडास बोलूँ तो एडिडास की जो ब्रांड लोगो होगा वो ध्यान में आ जाएगा। तो ये बेसिक ब्रांडिंग है। ये क्या है, प्रोसेस क्या है, किसके लिए बनाया जाता है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो फीचर्स ऑफ गुड ब्रांडिंग क्या देखें, देखें तो क्या हो सकता है, इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, इजी टू प्रोनाउंस एंड यूनिक। जैसे कि एग्जांपल में देखो आप टाइट हो गया या फिर जियो है, रिलायंस जियो, तो जियो क्या है, इजी टू प्रोनाउंस है, यूनिक है और शॉर्ट एंड सिंपल है। फिर सजेस्टिंग होना चाहिए, जैसे कि उजाला, है ना। अब उजाला कपड़े धोने का जो वो आता है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं साफ साफ कि आप अगर इसको यूज करोगे तो आपके कपड़े हैं उनमें उजाला आ जाएगा, तो ये सजेस्टिंग नेम हो गया। तो ये बेसिक क्या है, ब्रांडिंग के बारे में। फिर पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग क्या होगा, चाहे किसी भी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना हो, चाहे उसको आइडेंटिफाई करना हो, चाहे उसको प्रमोट करना हो। जैसे कि आप बिस्लेरी की बॉटल देखोगे तो आप बिस्लेरी जैसी एक 1000 अलग अलग तरीके की कंपनी है, कोई बिल्सेरी है, कोई बिस्लेरी की अलग अलग ब्रांड नेम्स और जो पैकेजिंग है उसको यूज कर करके वो लोग कर रहे हैं। और पैकेजिंग इज अ सेट ऑफ टास्क फॉर एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट रैपर्स एंड कंटेनर्स। पर बिस्लेरी की जो बॉटल है, बिस्लेरी का जो रैपर है, अगर उसको देखें तो वो लोग बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि क्योंकि वो कॉपी करना चाह रहे हैं जो बिस्लेरी ने किया, जो बिस्लेरी ने जो मार्केट कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि जो पैकेजिंग जो प्रोसेस है वो साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है। तो सेल्समैन का काम ऑलरेडी जो बिस्लेरी की पैकेजिंग है वो कर ही रहा है, तो इस वजह से लोग क्या है काफी ज्यादा ये कर रहे हैं। तो पैकेजिंग के बारे में देखें, यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है, पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग इज अ सेट ऑफ टास्क फॉर एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट रैपर्स एंड कंटेनर्स। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग में देखें तो प्रोटेक्शन हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे प्रमोशन हो। पैकेजिंग में आप देख लो, चॉकलेट है, चॉकलेट डबल रैप आती है क्योंकि वो अगर वो ज्यादा गर्मी में रहेगी तो वो पिघल जाएगी, तो इसलिए उसको डबल रैप किया जाता है। तो ये सारे क्या उसके प्रोटेक्शन के लिए है। चाहे और आइडेंटिफिकेशन हो, अलग अलग रैपर्स, चॉकलेट के सिल्क का रैपर अलग है और डेरी मिल्क का रैपर अलग है, किटकैट का रैपर अलग है, चाहे एक ही कंपनी बना रही हो तो भी आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग तरीके के रैपर्स हैं और उसके प्रमोशन के मेथड्स भी अलग अलग यूज किए जाते हैं। फिर लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग मार्क ऑन द पैकेज। चाहे उसमें क्या हो सकता है, लेबलिंग में हम लोग वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो गवर्नमेंट द्वारा बताई गई हो कि ये आपको लिखनी ही लिखनी है, चाहे उसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हो, चाहे फिर शुगर कंटेंट हो, चाहे प्रोटीन एंड फैट्स का कंटेंट हो, ये सारी चीज़ें लिखनी गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। फिर इट प्रोवाइड्स इसमें जो लेबलिंग में बाकी इन्फॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का जो जगह है, मैन्युफैक्चरिंग की डेट है, एक्सपायरी डेट है, ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, लेबलिंग में। फिर प्रोडक्ट असॉर्टमेंट की बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट इसमें दो चीजें हैं, प्रोडक्ट विड्थ हो और डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट विड्थ तो क्या हो गया, जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक ही कंपनी है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में एग्जांपल पहले देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ये साबुन भी यही बनाता है, डिटर्जेंट भी यही बनाता है, टूथपेस्ट भी यही बनाता है, तो हर तरीके का जो घरेलू सामान है जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में यूज आ रहा है तो वो ये बनाता है। तो ये अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स बनाना है, इस प्रोसेस को बोला गया है क्या, प्रोडक्ट विड्थ, है ना। तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन द कंपनी हैज टू ऑफर।
ये तो प्रोडक्ट विड्थ है। फिर डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जैसे आपको बताऊंगा कि एक शैम्पू की बॉटल है ना, तो 1 लीटर की शैम्पू की बॉटल भी आती है, 600 रुपए की बॉटल आती है, और 1 रुपए का शैम्पू का पाउच भी आता है। तो इस जो ये जो चीज है, 10 रुपए का भी आता होगा, 50 का भी आता होगा, 20 का भी आता होगा। तो ये जो चीज है, ये क्या है, डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट है। इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन अ प्रोडक्ट लाइन, है ना, एक ही प्रोडक्ट लाइन में कितने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो। जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट भी आपको पता है छोटा बिल्कुल 10 रुपए वाला टूथपेस्ट भी आता है, 50 का भी, 100 का भी, बड़े बड़े पैकेट्स भी आते हैं। वैसे ही शैम्पू हो गया, शैम्पू अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। तो ये प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है। तो ये हमने बात की किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, फिर प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। फिर आगे अब अगला हम लोग देखें तो प्राइस। अब प्राइस क्या है, इट इज अ वैल्यू व्हिच बायर गिव्स टू द सेलर इन रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स और सर्विसेज के रिटर्न में बायर जो देता है सेलर को, उसको हम लोग प्राइस कहते हैं। अब देखो इसमें कोई नई बात नहीं, बस ये इंग्लिश में थोड़ा तरीके से लिखा हुआ इसलिए ऐसा लग रहा है, पर है ना बात वही है जो आप जानते हो, प्राइस होती क्या है, यही तो होती है। जो खरीदने वाला है, जो बेचने वाले को दे रहा है, उसको प्राइस कहते हैं। प्राइस मिक्स की बात है तो इट रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू फिक्सिंग ऑफ प्राइसिंग ऑफ अ कमोडिटी, है ना। जो प्राइस है किसी चीज का, वो कितना रखा जाए, बिस्लेरी की बॉटल का प्राइस 10 रुपये रखा जाए, 20 रुपये रखा जाए, तो 30 रुपये रखा जाए, इसमें से क्या रखा जाए, इस जो ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा उसको प्राइस मिक्स बोला जाएगा। अब कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं कि प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ये तो हम बता रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, पर उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो डिटरमाइन करेंगे, देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस होगा कुछ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कुछ होगी, फिर एक्सटेंट ऑफ जो कॉम्पिटिशन होगा इन द मार्केट, फिर कस्टमर डिमांड और गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। तो एक एक करके ये देखते हैं कि कैसे प्राइस डिसाइड किया जा सकता है, एलिमेंट्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस। अब हाई प्राइस फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और लो प्राइस फॉर सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर आप हाई प्राइस रखोगे, अगर कोई पानी की बॉटल है, जैसे ब्लैक वाटर आता है ना, ब्लैक वाटर है 1 लीटर की बॉटल 200 रुपए की आती है, वहीं बिस्लेरी की 1 लीटर की बॉटल आती है 20 रुपए की, तो लो प्राइस है तो सेल्स की मैक्सिमाइजेशन, आपको पता है बिस्लेरी ज्यादा बिकती है ब्लैक वाटर से, तो पर हाई प्राइस है तो प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होगा। अब ब्लैक वाटर है, अब ये बिस्लेरी भी 2 रुपए की बना रहा होगा और ब्लैक वाटर भी ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का बना रहा होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो ब्लैक वाटर का ज्यादा हो जाएगा। तो सिमिलरली ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस क्या है आपका, वो डिसाइड करता है क्या प्राइस क्या रखोगे आप। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जब हमने ऑडिट देखा था तो हमने एक बात देखी थी, ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, बीईपी अगर आपको याद हो तो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, अब देखो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू कवर एटलीस्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर मान लो आपको बॉटल बनाने में 10 रुपए लगे, तो आपका जो कॉस्ट है वो एटलीस्ट 10 रुपए तो होना ही चाहिए, है ना, होना तो उससे ज्यादा चाहिए, पर ये मिनिमम है कि आप इतना रखोगे तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। फिर एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट क्या है, व्हेन फर्म्स हैव टू फेस हाई कॉम्पिटिशन देन जो जनरली प्राइस होती है वो लो हो जाती है, और अगर कॉम्पिटिशन कम है तो प्राइस कैन बी हाई, है ना। अगर कोई मार्केट में किसी की मोनोपोली है, जैसे रिसेंटली अभी बात चल रही है जियो और एयरटेल और इन लोगों ने प्राइसेस रेस कर दी है बहुत ज्यादा, तो मार्केट में इन लोगों की मोनोपोली है। अब मोनोपोली है तो इस वजह से ये प्राइसेस हाई रख सकते हैं, वहीं अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता तो इनको प्राइसेस लो रखने पड़ते हैं। फिर कस्टमर डिमांड की बात करें तो प्रोडक्ट्स विद इलास्टिक डिमांड, इफ डिमांड हाई प्राइस हाई एंड डिमांड लो प्राइस लो। अगर आप देखो तो किसी सिटी में कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटी है जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पर अगर डिमांड ज्यादा है ना तो प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर डिमांड कम होगी ना तो प्राइसेस लो रहेंगे। या आप चाहे जैसलमेर जाकर के चले जाओ तो आप कहीं पर भी इतनी ज्यादा प्राइसेस नहीं मिलेंगे, पर आप वहीं पर अगर जयपुर चले जाओ, अगर आप कोटा चले जाओ, अगर आप कोई और ऐसी सिटी चले जाओ, तो वहां पर आपको ये सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा कस्टमर डिमांड कैसे प्राइस डिटरमाइन करती है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज लास्ट में, लेस प्राइस फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, जैसे पैरासिटामोल हो गया। अब पैरासिटामोल है तो गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर रखा है कि ये 10 रुपए का आपको पैरासिटामोल बेचना पड़ेगा, इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। सिमिलरली वैसे तो कंपनीज अलग अलग तरीके के वो फॉर्मुलेज निकाल करके प्राइसेस बढ़ाती हैं, पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं एसेंशियल कमोडिटीज में जो आते हैं, उनको आप कम प्राइस पे ही आपको बेचना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट और प्राइस के बारे में बात हो गई। अब देखिए हम तीसरी चीज क्या है, प्लेस, है ना। ये सब हम लोग मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीजें हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। तो तीसरी चीज हम लोग देखते हैं प्लेस। प्लेस क्या होता है, जो प्लेस है वो देखो सेट ऑफ डिसीजंस दैट नीड्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर। अब एक जो प्लेस है उसमें आप सीधी सीधी बात करती समझो कि ये एक कोई फैक्ट्री है ना, ये मैन्युफैक्चरर है। अब ये मैन्युफैक्चरर से ये कंज्यूमर है, अब कंज्यूमर तक यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरर तक, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, या फिर मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में भी कोई और चेंज हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको प्लेस बोला हुआ है। फिर प्लेस मिक्स में क्या होगा, इट रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा कि कोई जो प्रोडक्ट है वो बनकर के तैयार है, उसके बाद में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस वो जो प्रक्रिया होगी उसको उसके उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे उसको हम लोग प्लेस मिक्स बोलेंगे। विद द डिसीजन रिलेटेड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेशन आर टेकन। इसमें क्या हम लोग जो स्टोरेज होगा और ट्रांसपोर्टेशन होगा उससे रिलेटेड जो डिसीजन होंगे बोलेंगे। अब यहां पर देखो एक चीज रह गई प्लेस में, जो हमने देखा आपको इसमें एग्जांपल में ये वाली चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि प्लेस में क्या होता है, टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल इन राइट क्वांटिटी एट राइट प्लेस ऑन राइट टाइम, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर देखें कि कुछ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, चैनल्स हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू प्लेस ऑफ कंजप्शन, है ना। जो हमने पहले बात की फैक्ट्री से कंज्यूमर तक कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, तो उसमें हम लोग चार चैनल्स हैं,
डायरेक्ट चैनल होगा, वन लेवल चैनल होगा, टू लेवल चैनल होगा और थ्री लेवल चैनल होगा। अब इसमें देखो बात तो यही, वन लेवल है तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर होगा उससे और कंज्यूमर के बीच में कोई एक मीडिएटर होगा, फिर टू लेवल होगा तो दो होंगे और थ्री लेवल होगा तो तीन होंगे। डायरेक्ट चैनल में डायरेक्ट कंपनी किसके पास में भेजेगी प्रोडक्ट, कंज्यूमर के पास में। तो डायरेक्ट चैनल में कंपनी से कंज्यूमर तक डायरेक्ट जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो लेवल चैनल। इसमें कोई मिडलमैन नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो आप बाटा जो शू मैन्युफैक्चरर है, आप अगर आपकी सिटी में या फिर कहीं पर भी आसपास देखो, बाटा का जो स्टोर होता है वो जनरली जो बाटा का स्टोर होगा वो बाटा कंपनी का खुद का ही स्टोर है। तो ये डायरेक्ट चैनल के थ्रू काम करते हैं। फिर वन लेवल कंपनी जो वन लेवल चैनल होगा उसमें क्या होगा, कंपनी या जो मैन्युफैक्चरर होगा वो पहले रिटेलर को सामान भेजेगा और रिटेलर से कंज्यूमर को बेचा जाएगा, जैसे चाहे कार्स हो, बाइक्स हो, एक्सेट्रा। फिर टू लेवल चैनल में क्या होगा, मैन्युफैक्चरर भेजेगा किसको, होलसेलर को, होलसेलर किसको भेजेगा, रिटेलर को, और रिटेलर लास्ट में देगा किसको, कंज्यूमर को। तो एग्जांपल आप जो भी डेली लाइफ में जो गुड्स यूज करते हो वो टू लेवल जनरली चैनल के थ्रू आते हैं। फिर थ्री लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरिंग टू एजेंट, एजेंट टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर। तो इसमें तीन चैनल आ गए, कौन, एजेंट, होलसेलर और रिटेलर, तीन ये चैनल बन गए। और फिर जो लास्ट में है कंज्यूमर के पास में पहुंचता है। फिर फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स जो हमने पहले बात की, इट मींस टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड ऑर्डर प्रोसेसेस। अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको प्रोसेस करने का जो काम है वो भी फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स में ही होगा। फोर मेजर एक्टिविटीज इसमें होती हैं, जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, अगर कोई ऑर्डर आया है तो उसकी प्रोसेसिंग, मतलब उसके बीच में उसको डिलीवर करने से, ऑर्डर होने से डिलीवर तक के बीच में क्या क्या टाइम और स्टेप्स यूज किए जाएंगे उसके बारे में। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चर टू प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग जगह है या फिर जहां पर स्टोरेज किया हुआ है वहां से जो कंज्यूमर है वहां तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग क्या है, स्टोरेज के लिए जो टाइम ऑफ प्रोडक्शन है और जो टाइम ऑफ सेल है। मान लो आपने 10 तारीख को कोई चीज़ बना करके रख दी और 20 तारीख को उसका ऑर्डर आया है, तो ये जो 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपने ये जो जगह किसी जगह ये चीज़ रखी है वो वेयर हाउस है ना, तो इसको वेयर हाउसिंग बोलेंगे। फिर इन्वेंट्री और स्टॉक, वेयर हाउस में जो रखी हुई चीज़ें हैं उनको इन्वेंट्री और स्टॉक बोल सकते हैं, जो अभी तक बिकी नहीं है आगे नियर फ्यूचर में बिकेंगी। तो ये मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स एंड गुड्स, ये चार मेजर एक्टिविटीज़ है किसकी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स की। फिर लास्ट में हम लोग देखें तो प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन क्या है और प्रमोशन मिक्स क्या है। अब मार्केटिंग मिक्स में हमने तीन चीज़ों की बात कर ली, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस की। अब प्रमोशन क्या है, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू इंक्रीज सेल्स, है ना। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे वो प्रमोशन कहलाएगी। प्रमोशन मिक्स में क्या होगा, इट रेफर्स टू ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जो आपको प्रोडक्ट बेचना है उसका जो प्रमोशन को लेकर के जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो प्रमोशन मिक्स में आएंगे, चाहे वो डिसीजन एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल सेलिंग हो, चाहे वो पब्लिक रिलेशन। एक एक करके देखें तो एडवर्टाइजिंग आप सब जानते ही हो, इट मींस इट इज अ मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द यूजर अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस, है ना। प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कम्युनिकेट करने का जो मीन है वो एडवर्टाइजिंग है। जैसे इसका एडवांटेजेस देखो तो रीच टू मैक्सिमम पीपल, चॉइस ऑफ मीडियम प्रिंट और टीवी, ये बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड करता है, इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन होता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग करता ही क्यों इंसान, प्रमोशन के लिए, प्रमोशन क्यों करेगा, सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये एक बेसिक जो प्रमोशन मिक्स का एक फैक्टर है। फिर सेल्स प्रमोशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स दैट स्टिमुलेट, चाहे आप देख लो कई ऐसी ब्रांड्स हैं जो पूरे साल उस पर 50% 80% सेल लगी रहती है, या फिर अलग अलग टाइम पर अलग अलग ऐसी सेल्स आती हैं, चाहे वो दिवाली के टाइम पर हो, चाहे होली के टाइम पर हो, या फिर अदर कोई भी फेस्टिवल्स हो उस टाइम पर जो प्रमोशनल सेल्स आती हैं उनको हम लोग सेल्स प्रमोशन बोलेंगे। फिर पर्सनल सेलिंग है तो इसमें जो इंसान होता है वो पर्टिकुलरली घर घर जाकर के चीज़ों को बेचता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इसमें, थोड़ा सा इसमें जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है वो बेटर होती है, इसमें पर्सनल इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है और बेटर रिस्पॉन्स उसको मिलता है। एडवर्टाइजिंग में आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बहुत लेट पता चलेगा, पर्सनल सेलिंग में आपको जल्दी पता चल जाएगा। फिर पब्लिक रिलेशन है तो पीआर, तो आपको पता है मेंटेनिंग पीआर विद कंज्यूमर क्रिएट गुडविल, है ना, आपको गुडविल क्रिएट करनी है, इसलिए तो आप कैसे, क्या मेथड्स हो सकते हैं, न्यूज़ हो सकती है, स्पीचेस दे सकते हैं, अलग अलग इवेंट्स करवाते हैं, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो ये सारी प्रमोशन मिक्स की बातें हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊँ, क्योंकि अगर थोड़े समझाने लगे तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और मैनेजमेंट थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगाया जाए। हमने जब 5 घंटे में एथिक्स ही खत्म कर ली तो मैनेजमेंट तो चीज़ ही है, तो हम लोग इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर देखो दो चीज़ें और आती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और सर्विस। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, अब लाइफ साइकिल नॉर्मली होती क्या है, किसी के जन्म से लेकर के उसके मरण तक की, है ना, उसके मरण तक की जो बीच की घटनाएं हैं वो उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मतलब लाइफ साइकिल है और प्रोडक्ट के लिए होगी तो वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो जाएगी। तो इट इज़ अ प्रोसेस, अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम व्हेन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, मतलब जब उसका जन्म हुआ, अनटिल इट डिक्लाइंस और इज रिमूव फ्रॉम द मार्केट, मतलब जब वो मर गया, जब वो उसका जो सेल्स होती है वो डिक्लाइन हो चुकी है बहुत ज़्यादा, या फिर वो रिमूव ही हो चुका है मार्केट से। तो इसमें ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बेसिक डेफिनेशन है। इसमें ये चार स्टेजेस इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चार स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो पहले ये स्टेजेस देखने से पहले हम लोग देखते हैं ये ग्राफ। अब देखो ये बेसिक ग्राफ है, इसमें इधर सेल्स लिखे हुए हैं, इधर टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप देख रहे हो और सेल्स इंक्रीज होती जा रही है ना। इंट्रोडक्शन के समय ये सेल्स कम थी, मतलब प्रॉफिट भी कम होगा, फिर ग्रोथ हो रही है तो मतलब सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। फिर एक स्टेज आ रही है
मेचोरिटी की, इस मेचोरिटी की स्टेज के बाद डिक्लाइन शुरू हो रहा है, और ये डिक्लाइन के बाद में हमने वैसे ही बोला कि या तो ये यहीं पर रुक जाएगा या फिर ये बिल्कुल यहां तक टच हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और यही चार स्टेजेस हैं, चाहे इसमें मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज हो जबकि कॉस्ट आर हाई, डिमांड हैज टू बी क्रिएटेड क्योंकि डिमांड ऑलरेडी है नहीं, कस्टमर हैव टू बी प्रॉम्प्टेड टू ट्राई प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट वो जानता नहीं है तो आपको उसको रुझाना पड़ेगा कि कैसे जैसे आप हमारा प्रोडक्ट ट्राई करो। फिर इट मेक्स लिटिल मनी एट दिस स्टेज। फिर ग्रोथ स्टेज होगी तो कॉस्ट रिड्यूस ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि ज्यादा बिक्री होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि बिक्री ज्यादा होगी तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर प्रॉफिटेबिलिटी बिगिंस टू राइज, पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है, कॉम्पिटिशन बिगिंस टू इंक्रीज। फिर मेच्योरिटी की स्टेज आती है, इसमें मार्केट शेयर मैक्सिमाइज होता है, एनहैंस प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइजेस जो होंगी वो कम होंगी और जो सेल्स होगी वो भी मैक्सिमम होगी। फिर लास्ट में डिक्लाइन होती है तो सेल्स एंड प्रॉफिट कम्स डाउन, मेजर चेंजेस नीड्स टू बी डन, आपको कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे वरना प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, एंड डिस्काउंट्स एंड अदर ऑफर्स हैव टू बी अप्लाइड, है ना, विल बी अप्लाइड, नहीं हैव टू बी अप्लाइड, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चार स्टेजेस हैं। फिर लास्ट में देखो सर्विस, तो सर्विस इज एन एक्ट परफॉर्म, परफॉर्मेंस ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी, एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है ये। आप देखो सर्विस, आप नाम से ही पता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सेवा। अब सेवा क्या है, सेवा एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी, दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट क्रिएट वैल्यू एंड प्रोवाइड बेनिफिट टू कस्टमर्स। अब सर्विस के बारे में हम लोग बेसिक चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखो तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इंटेंजिबल होते हैं, है ना, आप इनको छू करके नहीं देख सकते, आप इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इनसेपरेबल होते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रोवाइडर, जो इनका प्रोवाइडर है उनसे ये सेपरेट नहीं की जा सकती। वेरिएबिलिटी होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिपेंड्स अपॉन हु प्रोवाइड्स देम, व्हेन, वेयर एंड हाउ। फिर पेरिशेबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, देखो पेरिशेबिलिटी क्या है इसमें, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल और यूज, है ना, इनको आप अलग से स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये बेसिक चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। फिर सर्विस मार्केटिंग मिक्स में देखो तो सेवन पीस सर्विस मार्केटिंग मिक्स में आते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये सेवन पीस का नाम आप अटीज ध्यान रखना है। ये डायग्राम में देखना चाहो तो डायग्राम में देख लो, हमने जो फोर पीस की तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्राइस हो, प्लेस हो और प्रमोशन हो, ये चारों पीस की हम लोग बात कर चुके हैं। इसके अलावा सर्विस में क्या आता है, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, तो ये टोटल सेवन पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग है। तो ये हमारा बेसिक पहला लेक्चर खत्म होता है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया पर क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखते हैं, थोड़े छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे और मैं कोशिश करूँगा एक दो दिन में इनको सबको एक साथ अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।